हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं वाहू चैनल। इस चैनल पर हम गाड़ियों से रिलेटेड हर उस टॉपिक पे वीडियो कवर करते हैं जो आपको जानने की जरूरत है। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग ट्रैफिक रूल्स को ओबे नहीं करते हैं। इवन इफ हम कर भी लें तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ से बाहर है। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप परफेक्टली ड्राइव कर रहे हैं, आपकी ड्राइविंग में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने से अचानक से एक जानवर आ जाता है, या फिर एक बच्चा आ जाता है, कोई साइकिल वाला आ जाता है, या आप डाउनहिल जा रहे हैं और सामने सडनली आप देखते हैं कि गाड़ियों का रश लगा हुआ है और सारी गाड़ियां रुकी हैं, तो आपको भी एकदम से रोकना पड़ेगा। ऐसे टाइम पे आपको फील होती है ह्यूमन की शॉर्टकमिंग्स। हमारा जो माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन है वो इतना जल्दी बैठ नहीं पाता कि हम टाइमली गाड़ी को रोक सकें। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। आपकी गाड़ी में एक ECU लगा हुआ है जिससे कि बहुत सारे सेफ्टी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। इतने ज्यादा सेंसर्स हैं जो हर समय आपकी गाड़ी की मोशन को और उसके डायनेमिक्स को मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि आप टाइमली ब्रेक भी लगा सकें या फिर एक्सेलरेशन चाहिए तो आप वो भी प्रोड्यूस कर सकें। जैसा कि आप टाइटल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4 ऐसे एक्टिव सेफ्टी सिस्टम्स जो आपकी गाड़ी में होने जरूरी हैं। नंबर 1 इज ABS, सेकंड इज EBD, थर्ड इज TCS एंड फोर्थ इज ESP। चारों को 1x1 कवर करते हैं। नंबर 1 ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसका काम है आपके गाड़ी के व्हील को हैवी ब्रेकिंग के टाइम पे लॉक होने से रोकना। आप हाईवे पे जा रहे हैं तेज स्पीड पे, सडनली आपने ब्रेक दबा दी, व्हील्स हो गए लॉक। जैसे ही वो लॉक हुए, आपकी गाड़ी की जो स्टीयरेबिलिटी है, मतलब आप स्टीयर करना चाहेंगे तो वो होगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि व्हील लॉक हो चुके हैं। तो हो सकता है कि आप तो ये कर रहे हैं लेकिन गाड़ी घिसती चली जाएगी सड़क पे, और कब जाके रुकेगी कोई अंदाजा नहीं है। तो ABS का काम सिर्फ इतना सा है कि व्हील पे ऑप्टिमम ब्रेकिंग प्रोड्यूस करना, ताकि वो लॉक ना हो और सेफली कम से कम टाइम में जितना वो रुक सकता है वो गाड़ी को रोकता है। ये तो हो गया ABS। सेकेंड इज TCS, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। जो ABS ब्रेकिंग के टाइम पे कर रहा था, TCS वही काम एक्सेलरेशन के टाइम पे करता है। अब मान लीजिए हम वैसे तो अपनी गाड़ी नॉर्मली सड़क पे चलाते हैं तो हमें इस चीज की नीड फील नहीं होती, लेकिन अगर आपकी गाड़ी पे कोई एक टायर भी स्नो के ऊपर या मड के ऊपर या वाटर सरफेस पे है, जहां पे स्लिपरी सरफेस है, इतना आपको ट्रैक्शन नहीं मिल पा रही है। अब ट्रैक्शन को समझ लेते हैं पहले। ट्रैक्शन है रफनेस, या फिर हम कह सकते हैं ग्रिप। आपके टायर और सरफेस के बीच में कितनी ग्रिप बन रही है उसको हम ट्रैक्शन कहते हैं। तो जब भी आपके टायर के नीचे स्नो, मड, आइस, कुछ भी ऐसा, वाटर, कुछ भी ऐसा आ जाएगा जो कि स्लिपरी कंडीशंस प्रोड्यूस करेगा, तो आप तो अंदर बैठे एक्सेलरेटर को दबाएंगे, पावर भी व्हील तक पहुंच जाएगी, पर वो व्हील सिर्फ घूमता रहेगा, आपकी गाड़ी को आगे नहीं लेके जा पाएगा। दिक्कत है ट्रैक्शन नहीं अवेलेबल उस व्हील के नीचे। तो TCS इसी पे काम करता है। TCS ये देखता है कि चारों में से कौन सा ऐसा व्हील है जिसके नीचे ट्रैक्शन अवेलेबल है। जहां पे ट्रैक्शन अवेलेबल होगी वहां पे पावर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और वहां पे पावर जाएगी, बजाय कि दूसरा व्हील जहां पे ट्रैक्शन है ही नहीं वहां पे पावर कम जाएगी, क्योंकि वो पावर वैसे भी लॉस ही जो होने वाला है, क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। तो इंटेलिजेंटली ये देखता रहेगा कि कहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्शन मिल रही है और वहीं पे हम इंजन की पावर डिलीवर करें, क्योंकि एंड गोल है गाड़ी को आगे बढ़ाना। जैसे ही उस व्हील के नीचे ट्रैक्शन अवेलेबल होगी, सरफेस ठीक होगा, तो सब में जो है बराबर की पावर डिलीवरी हो पाएगी। तो ये हो गया TCS। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये ABS के ऊपर बैठता है, यानी कि ABS को और इम्प्रूव करना, ब्रेकिंग को और इम्प्रूव या एक्यूरेट करना, ये EBD का काम। जब तक तो आप गाड़ी में बैठे हुए थे, चल रहे थे, ब्रेक मार रहे थे, ABS काम आ रहा था। लेकिन एक और भी एस्पेक्ट है इसको देखने का। आपकी गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल आप कह लीजिए सिमेट्रिकली डिजाइन नहीं है। आगे ज्यादा वेट होता है, पीछे कम होता है। हम फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स की बात करें, आगे इंजन बैठा हुआ है तो वहां पे 60% वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, पीछे 40% है। लेकिन ये तो तब है जब हम गाड़ी की बात कर रहे हैं। अब इसमें हमने लोडिंग की, हमने डिक्की में सामान रखा, हमने पीछे लोगों को बिठाया, तो पीछे भी लोड आ गया। अब पीछे के टायर्स भी जो है इक्वली लोडेड हो सकते हैं आगे की तरफ, 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या हो सकता है पीछे की तरफ और ज्यादा भी आ जाए। लेकिन बड़ी डिस्क दी जाती है, पीछे थोड़ी छोटी डिस्क या ड्रम ब्रेक्स का भी यूज किया जाता है। तो अब जब लोड पिछले टायर्स पे ज्यादा है, तो पिछले टायर्स पे अगर ब्रेकिंग भी ज्यादा दी जाएगी तो जल्दी गाड़ी रुक पाएगी। इसी का कुछ देखने का काम है EBD का। तो EBD ये देखता है कि
किस टायर पे कितना लोड पड़ रहा है गाड़ी का, उस पर उतनी ही ब्रेकिंग प्रोड्यूस की जाए जब हम गाड़ी को जल्द से जल्द रोकना चाहते हैं। अब दो केसेस को कंसिडर कीजिए, आपकी गाड़ी में पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा लोडिंग है, लोग बैठे हुए हैं या फिर सामान रखा हुआ है, ऐसे केस में EBD आपको हेल्प करेगा। या आप गाड़ी को कॉर्नर करते करते आप ब्रेक मार रहे हैं, मे बी हिल्स में आप जैसे जाते हैं तो कॉर्नर भी कर रहे हैं, सामने आपने ब्रेक भी मार ली है, तो ऐसे में जब जो बाहर वाली साइड है आपकी गाड़ी की इधर को मूव कर रहे हैं तो जो बाहर वाले व्हील्स हैं वहाँ पे लोड ज़्यादा हो जाता है, गाड़ी इधर को टिल्ट हो जाती है मूव करते हुए, तो बाहर वाले व्हील्स पे ज़्यादा ब्रेकिंग की जरूरत है। अगर वहाँ पे ज़्यादा ब्रेकिंग प्रोड्यूस की जाएगी तो गाड़ी जल्दी रुकेगी, तो ABS प्लस EBD ज़्यादा एक्यूरेट ब्रेकिंग को प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट टेक्नोलॉजी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये इन सब के ऊपर बैठती है और ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है और ज़्यादा क्रिटिकल है, ये टेक्नोलॉजी है ESP, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। इसको ESC भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, या कुछ गाड़ियों में इसको डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल या फिर स्टेबिलिटी असिस्ट, अलग अलग ब्रांड्स इसका अलग अलग नाम देती हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा मॉडल है, लेकिन काम सबका सेम ही है और काम है आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना। अब एक केस लेते हैं, आप सीधा ड्राइव कर रहे हैं, सडनली आपके राइट से कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, वो ऑब्स्टेकल हो सकता है एक गाड़ी, एक जानवर, एक बंदा, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में दो केसेस हैं, या तो आप सीधा उसमें जाके घुसेंगे और गाड़ी जो है आपकी जो है टक्कर हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, उस केस में तो भूल ही जाइए, कोई भी सेफ्टी सिस्टम काम नहीं आएगा। दूसरा जो केस है वो ये है कि आप सडनली अपनी गाड़ी को बचाने के लिए इधर को टिल्ट करेंगे, उधर से कोई आ रहा है, आप ऐसे हो जाएंगे, अब ऐसे तो आप हो गए लेकिन सड़क तो उतनी है तो आप वापस से इधर भी आएंगे, सडनली आपने ये किया फिर ये किया, ये वो है जो आपकी चाहत थी कि पहले गाड़ी उधर जाए फिर इधर जाए, लेकिन गाड़ी का सोचिए, गाड़ी पे फोर्सेस जनरेट हुई, जैसे ही आपने गाड़ी को उधर किया सारी की सारी गाड़ी बाहर की तरफ फोर्स लगाने लगी, उधर को जाना चाह रही है, फिर जब आपने इधर किया तो वो फोर्स 180 डिग्री पलट के इधर को आ गई और वो उधर को जाना चाह रही है। अब ESP का यही काम है कि आप गाड़ी को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं और एक्चुअल में गाड़ी कहाँ जा रही है, इसमें अगर ज़रा सा भी फर्क है तो वो हर व्हील पे ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन इन दोनों को मॉनिटर करती है। ESP काफ़ी हद तक ABS और TCS के ही हार्डवेयर को यूज़ करता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जब तक आपकी गाड़ी में ABS और TCS नहीं होगा तब तक ESP देने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि आपकी गाड़ी में जितने ज़्यादा सेफ्टी सिस्टम्स होंगे उतने ही सेफ होएगी आपकी गाड़ी और उतने ही सेफ होंगे आप, तो जितने ज़्यादा फीचर्स उतनी ज़्यादा सेफ्टी। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ABS और EBD जो हैं वो 300,000 की एक गाड़ी में, ऑल्टो में और छोटी छोटी गाड़ियों में भी एज स्टैंडर्ड दिए जाते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी नहीं है। लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल 4x4 कार्स में तो होता है, लेकिन नॉर्मल फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स में होता है कि नहीं होता ऐसा कहना मुश्किल है, कुछ कार्स देती हैं कुछ नहीं देती हैं, लेकिन 10 से 12 लाख के आसपास आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलना शुरू हो जाता है और जब TCS और ABS दोनों मिलेंगे तभी ESP भी होगा। तो अगर आपको ये चारों सेफ्टी सिस्टम्स चाहिए तो लगभग आपको 10 से 12 लाख की गाड़ी का बजट बना के चलना पड़ेगा, बाकी ABS और EBD तो लगभग हर गाड़ी में आज की डेट में स्टैंडर्ड आ रहे हैं। गाड़ी में दो तरह के सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, वन इज पैसिव अदर वन इज एक्टिव। पैसिव सेफ्टी सिस्टम्स वो हैं जो दुर्घटना होने के टाइम पे आपको और आपकी गाड़ी को सुरक्षित रखते हैं, जैसे कि सीट बेल्ट्स, एयर बैग्स या फिर आपकी गाड़ी के क्रम्पल जोन्स। लेकिन एक्टिव सेफ्टी सिस्टम्स वो हैं जो दुर्घटना होने से पहले ही आपको और आपकी गाड़ी को सुरक्षित रखते हैं। अब एक्टिव सेफ्टी सिस्टम्स की बात करूँ तो बहुत सारे सेफ्टी सिस्टम्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्रेक असिस्ट, हेड्स अप डिस्प्ले, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और न जाने और कितने कितने। आप जितनी महंगी गाड़ी लेंगे सेफ्टी सिस्टम्स उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे गाड़ी में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ। बाय।